तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं जो ये सैमसंग वॉच 4 है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन नापने का जो फंक्शन है उसकी हम जो एक्यूरेसी है वो जो ये मेडिकल पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो कि मेरे पास इस समय 24 मिनट का है, इससे हम नाप के देखेंगे कि आखिर कितनी जो इनकी रीडिंग है इस वॉच की और पल्स ऑक्सीमीटर की आखिर कितनी कोरिलेट करती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वॉच है इसके अंदर मैं ऑक्सीजन सेचुरेशन का है वो लगा देता हूँ, ये रहा। तो इसको मैंने मेजरिंग पे लगा दिया है और इधर जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों ही है रीडिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर में आप देख सकते हैं इनिशियल रीडिंग आ चुकी है जो कि है 97 और 81 पल्स चल रही है, और यहाँ वॉच के अंदर अभी रीडिंग चल ही रही है। तो यहाँ वॉच के अंदर भी 97% और 80 की पल्स रेट आ रही है, और यहाँ इसमें भी 97, 98 और 80, 81 की पल्स रेट आ रही है। तो काफ़ी सिमिलर है, मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एक बार और रीडिंग लेके देखते हैं। तो यहाँ पे वॉच के अंदर रीडिंग आई है 98% और हार्ट बीट की रीडिंग है 79, और यहाँ जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके अंदर भी रीडिंग है 97 और पल्स की जो वेरी कर रही है 76, 77, 98, 97। तो कुछ हद तक यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर सी रीडिंग है, मतलब हम कह सकते हैं कि सेचुरेशन में ये ठीक ठाक रीडिंग ले रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही अभी, और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो ब्लड प्रेशर नापने का है उसको भी हम जो इसका ओरिजिनल ब्लड प्रेशर मीटर है उससे टेस्ट करके देखेंगे कि आखिर कैसा क्या रिजल्ट रहता है। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।